कुर्बानी वाजिब होने के लिए जरूरी है कि आदमी साहेब निसाब हो। जो आदमी साहेब निसाब होगा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, और जो आदमी साहेब निसाब नहीं होगा उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साहेब निसाब कहाँ किसको जाता है। तो देखिए, जिस आदमी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो, या थोड़ा बहुत सोना हो, थोड़ी बहुत चांदी हो और कुछ कैश हो, इन तमाम की मजमूई कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाती हो तो ये आदमी साहेब निसाब कहलाएगा, और इस आदमी के ऊपर जकात और कुर्बानी भी वाजिब होगी। लेकिन कुर्बानी वाजिब होने के लिए एक चीज ये भी है कि अगर किसी आदमी के पास जरूरत असलिया के अलावा जायद चीजें हो तो उसको भी निसाब में जोड़ा जाएगा। लिहाजा इसी जिम्मन में एक सवाल पैदा होता है कि अगर कोई आदमी साहेब निसाब नहीं है लेकिन उसके पास एक कीमती मोबाइल है जिसकी कीमत तकरीबन 50-60 हजार रुपये की है, या 3-4 मोबाइल फोन्स है जिनकी कीमत 60-70 हजार रुपये की है, या इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप या टीवी वगैरह है, तो ऐसे शख्स के ऊपर जकात और कुर्बानी वाजिब होती है या वाजिब नहीं होती। देखिए, इस सवाल का जवाब यह है कि अगर तमाम मोबाइल फोन उस शख्स के इस्तेमाल में आते हो तो फिर उनकी वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होती है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो। यही हुक्म लैपटॉप, टीवी और कंप्यूटर वगैरह का है। इसी तरह जरूरत से ज्यादा कीमती मोबाइल फोन का भी है, अगर इस्तेमाल के लिए हो तो उनकी वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होती है क्योंकि वो आदमी साहेब निसाब नहीं है। लेकिन अगर एक मोबाइल फोन उसके जरूरत के लिए है और बकिया तमाम मोबाइल फोन्स उसके इस्तेमाल से जायद है तो फिर इनकी वजह से वो आदमी साहेब निसाब हो जाएगा, और साहेब निसाब होने की वजह से कुर्बानी भी वाजिब होगी। लेकिन इसके लिए भी ये देखा जाएगा कि जो जायद मोबाइल हैं उन तमाम मोबाइल की या जरूरत से जायद लैपटॉप या जरूरत से जायद तमाम चीजों की कीमत एक हो या ज्यादा हो, उन तमाम को मिलाकर 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर बनती है या नहीं बनती। अगर बन जाती है तो आदमी साहेब निसाब है, कुर्बानी वाजिब है। अगर नहीं बनती है तो आदमी साहेब निसाब नहीं और उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं। उम्मीद है कि कुर्बानी वाजिब होने या वाजिब न होने के बारे में ये मसला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो मसाइल हमें मालूम नहीं है वो मालूम करके उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।